पानी पिलाने का भी काम करे, जिनको कि सभी बहनें हंस रही है इस बात। वो दीन और वो जनता की जो मांग थी वो मेरे जेहन में थी और आपने लगातार 95 से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व का दायित्व पूर्वी क्षेत्र की जनता ने दी और आपके कारण ही मैं पूरी राज्य के सेवक के रूप में आपके बीच उपस्थित हूं। और उसी सेवा भावना से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र की जनता ने इस मुकाम तक पहुंचाया उन क्षेत्र की भी समस्याओं का निदान करना और उसी निमित्त ये जलापूर्ति योजना जो 2000 से ज्यादा घरों में शुद्ध पाइपलाइन के द्वारा 2 महीने के अंदर आज जो योजना शुरुआत हो रही है, जो भी संवेदक हैं और जैसे अभी पीएचडी विभाग के अधिकारी ने हमसे कह रहे थे कि 2 महीने के अंदर यह जलापूर्ति योजना पूर्ण हो जाएगी, यानी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई तक, कब तक हुई है? रोड का 2 महीने में पूरा होगा जलापूर्ति योजना। रोड के काम 2 महीने में पूरे होंगे और जलापूर्ति की योजना जिसको के एमडी बैठे हुए एक है 5-6 महीने के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि दिवाली के पहले घर घर तक जेमको के 2000 से ज्यादा घर में पानी की सुविधा पहुंच जाए। में जब एक मजदूर को पूर्वी क्षेत्र की जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया तो चुनाव के दरमियान जब मैं क्षेत्रों में भ्रमण किया तो मैंने महसूस किया इस जमशेदपुर में 2 तरह की व्यवस्था है। कंपनी क्षेत्र में सारी नागरिक सुविधाएं उन तक पहुंची, लेकिन गैर कंपनी क्षेत्र में जो बस्ती इलाका वहां न सड़क थी, न बिजली थी, न पीने की पानी थी। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज जमशेदपुर बस्ती और शहर में कोई अंतर नहीं रहा। जिस तरह कंपनी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट जलती है उसी तरह आज बस्ती में भी स्ट्रीट लाइट एलईडी लाइट जल रही है कि नहीं? जो बचे कुछ 3000 एलईडी लाइट अभी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में और लगेगी ताकि जमशेदपुर नासरवान जी की सार जिसका कल 3 मार्च को हम सब ने नासरवान जी को याद किया, उनकी एक सोच थी कि जहां भी हमारा प्लांट हो वहां आसपास के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, लेकिन विगत वर्षों में ये जो बस्तियां थी वो पेंडुलम की तरह झूल रहे थे। सरकार कहती थी कि टाटा लीज में है, टाटा कहती थी कि अतिक्रमित बस्ती है, और इस तरह पेंडुलम में इस बस्तियों में नागरिक सुविधाएं की घोर अभाव थी और इन अभावों को समाप्त करने के लिए लगातार आप सबके सहयोग से हम प्रयासरत थे और काफी जो आपकी समस्या थी उन समस्याओं पे
हम निजात पाने की कोशिश की। अभी आपको सांसद जी ने बताया है, ये जो बस्तियों में जो रह रहे लोग थे, जो टाटा के ही वंशज के लोग हैं, क्योंकि ये जो बस्तियों में रह रहे हैं इसी टाटा कंपनी या एसोसिएट कंपनी के ही कर्मचारी थे। रिटायरमेंट के बाद अपनी खून पसीना का घर बनाकर हसियाना बनाने का काम की थी और उनको हमारी सरकार ने जो 95 में मैंने फील किया था, लोग की ये डिमांड थी कि हमें भी हमारी बस्तियों को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। और आपने देखा पिछले दिनों ही 1185 से जो बस्तियां बसी हुई है, जो परिवार रह रहे हैं, उनको 10 साल के लिए 30 साल के लिए सरकार सीधे लीज में उन परिवार को देने का काम करेगी। ये भी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है सरकार की। और हमने जो वादा की थी जनता से, उस वादे को पूरा करने का काम हम सब ने की। अभी डीसी साहब दिखा रहे थे चार्ट, प्रक्रिया शुरू होगी। खाली एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताएं कि अगर एक डिसमिल का अगर थाना वाइज रेट, सर्किल रेट अलग होता है 1,00,000 रुपया, तो 10वां हिस्सा यानी 10,000 एक मुश्त आपको सरकार को देना होगा और 500 रुपया सालाना, 500 रुपया आपको लगान देना होगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है, 2-4 के दिन के अंदर ही सारा पेपर में आम जनता को समझने के लिए विज्ञापन के माध्यम से डिसमिल, एक डिसमिल में कितना आपको, अगर गोलमिर सर्किल में आपका घर है, साक्षी अंचल में है, तो अंचल वाइज सर्किल वाइज पर डिसमिल का रेट आपको सार्वजनिक कर दी जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन जनता के बीच ना रहे। ये काम हमारी सरकार बहुत जल्द करेगी। और इस तरह ये जो बस्तियां अब तक पेंडुलम में झूल रही थी, उस बस्तियां, उस परिवार को सरकारी मान्यता देने का काम, जिस तरह टाटा स्टील को सरकार ने 30 साल के लिए लीज दी है, उसी तरह इन बस्ती, इन परिवार को भी सरकार सीधे 30 साल आपको लीज के लिए, और ये लगातार एक्सपेंशन होता रहेगा, क्योंकि बस्तियां बस गई है, उजाड़ कोई नहीं सकता। हम सारी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं और इसलिए ये बस्ती वासियों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। इस तरह पूरे राज्य में, उसी तरह गांव में जो हमारा गरीब रहता है, जो भूमिहीन है, उसको 12.5 डिसमिल निःशुल्क जमीन देना और 5 एकड़ जमीन खेती के लिए देना, ताकि गांव में भी रहने वाला गरीब, और ये जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है हाउस फॉर ऑल, हर गरीब का छत हो 2022 तक, हमारी सरकार ने तय की है कि 2022 तक एक ऐसा झारखंड बनाना जहां हर गरीब के सर्वे छत हो, और इस दृष्टिकोण से सरकार हमारी निर्णय ले रही है। अभी सांसद जी ने आपको बताया खास महल की, 70 साल से खास महल की जमीन का लीज नवीनीकरण नहीं हो रहे थे,